ओके तो असलम तो हम अभी इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कि इनपुट और आउटपुट कैसे लेंगे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर आई स्ट्रीम इंक्लूडिंग एस डी इंटीजर मेन ये क्यों यूज़ करते हैं तो हम लोग इनपुट लेने से पहले डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स बहुत तरह की होती हैं हम एक इंटीजर टाइप की होती है इंटीजर डेटा टाइप होती है जिसमें हम लोग टाइप से इंटीजट वैल्यूज़ लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वन टू थ्री इस तरह की फॉर्म में हम लेते हैं ओके तो अब अगर इस तरह की इन टीचर में बहुत सारी फॉर्म आ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल एक डबल आ जाती है अब डबल में क्या होता है हम लोग पॉइंट वैल्यू भी ले सकते हैं इस तरह डबल के साथ फ्लोट भी वैल्यू भी आती है हम फ्लोट भी ले सकते हैं तो जो मैं एन लिख रहा हूँ सामने इनके साथ राइट right? कि एन क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक एन वैल्यू इनके साथ असाइन कर रहे हैं जब एन वैल्यू मैं इनके साथ असाइन कर रहा हूँ तो ये मेरी मैं, मैं उनकी उसी वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए लिख दूँ जब ये ए इसके साथ असाइन है अगर बी यहाँ पे लिख दूँ तो बी इसके साथ आसाइन है और सी इसके साथ लिख दूँ तो सी इसके साथ है इसके साथ और बहुत सारी आयती हैं एक, एक आयती है लॉन्ग भी आ जाती है तो ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू डेथ में जाना नहीं चाहूँगा मैं बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं इनको मैं आगे जाके दोबारा डेथ में जाके समझाऊंगा बस अभी ये यहाँ तक जान लें कि ये डेटा टाइप्स होती क्या है ओके एक लॉन्ग भी आ गई इस तरह हम करेक्टर भी ले सकते हैं करेक्टर से मतलब कि मुराद ए ले लो या ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं या सी ले सकते हैं इस तरह करैक्टर एक एक अल्फ़ाबेट ओके तो कर चार लिखूँ मैं अगर चार लिखूँ और मैं यहाँ पर इसको ई दे दूँ तो ए ईसाइन हो जाएगा इसके साथ अब मैं चार ले सकता हूँ राइट अब अगर मैं करूँ कि कर चार भी हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं स्ट्रिंग है एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं हम लोग स्ट्रिंग में मैं एफ दे दूँ तो हम इस तरह के बहुत सारे डेटा ऐप्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी अपने हिसाब से कि हम लोग क्या यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं और हम लोग इनको इनपुट करवा लेते हैं सबसे पहले मैंने डेटा ऐप्स के बेसिकली मैंने बता दी कि किस तरह के बहुत सारी डेटा एप्स हो हैं फ्लोट होता है फ्लोट हो हम पॉइंट वाली ले सकते हैं तो इस तरह की बहुत सारी होती है लॉन्ग मतलब बहुत बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ ले सकते हैं करैक्टर मतलब के हम एक अल्फाबेट्स में ले सकते हैं ए ले सकते हैं बी ले सकते हैं सी ले सकते हैं ओके okay, तो आ, स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग किस तरह होता है मैं अगर पूरा नेम देना चाह रहा हूँ अपना एहतिशाम तो मैं पूरा नेम दे सकता हूँ स्ट्रिंग से स्ट्रिंग इसीलिए यूज़ कर सकते हैं अगर मैं इनको एग्जांपल दूँ बारी बारी सबसे पहले इनको करने से पहले मैं आपको एक इंडीजर की लेते हैं पहले और हम लोग कर लेते हैं यहाँ भी लिख लेते हैं कौमास के अंदर ये, आ, ये लिखते हैं इंटर नेम और यहाँ पे दे देते हैं तो मैं इनके अंदर जो भी लिखूँगा इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ओके और आप आपने एक चीज़ नोटिस की होगी मैं पिछले एपिसोड पिछले लेक्चर में बताना बोल गया कि ये जो स्पेसिस हैं ये ये कुछ फ़र्क करता है क्या नहीं अगर हम यहाँ पे ब्लैंक स्पेसिस को जो सी प्लस प्लस है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे स्पेसिस हैं या नहीं वो इग्नोर करता है बेसिकली जो ब्लैंक स्पेसिस होती हैं ओके तो हम जब भी कोटेशन मार्क के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो सिर्फ एज ए रिटर्न राइट करेगी लाइन हम कोई फ़र्क काम नहीं करेगी अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख दूँ तो ये इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर नंबर भी लिख दूँ तो ये सिर्फ सिम्पली वो रैड करेगा स्क्रीन पे अगर मैं सॉरी प्रीवियस रन कर दिया मैंने ये अगर मैं इसको रन और बिल्ड करूँ तो ये इसने सिर्फ सेम टू तो सेम चीज़ वही मुझे कॉपी बेस्ट करके दे दी यहाँ पर ठीक अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर इंटर इंटरव्यू नेम और एंड लाइन मैं मैं नहीं मैं अपने ही चाहता कि एंड लाइन हो यहाँ पर तो यहाँ पर ख़त्म कर दें अब इनपुट कैसे लेंगे इनपुट इस तरह लेंगे कि एक यूज़ करेंगे सी इन यानी इनपुट के लिए और जो बिट वाइज है इसमें आपने नोटिस किया होगा जो बिट वाइज़ यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस डायरेक्शन में सी आउट की डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं जो जब इनपुट लेंगे हम लोग ये इसकी डायरेक्शन बेसिकली जो वेरिएबल हम लोग जिस वेरिएबल में इनपुट करवाना चाह रहे हैं वो वेरिएबल लेंगे कॉपी करेंगे यहाँ पर पेश कर देंगे और एक और चीज़ जब भी हम लोग सेंटेंस एंड करते हैं तो एंड में ये सेमी कॉलन मस्त लगाना होता है इससे ये पता चल जाता है कि प्रोग्राम को कि ये लाइन को या हम जिसी प्लस में जो लाइन एंड कर रहे हैं उसको पता चल जाता है कि हम ये लाइन एंड कर चुके हैं इसके आगे हम लोग कुछ नहीं लिखने वाले इस लाइन ये एंड हो चुकी है ओके तो लाइन मतलब हमने इस जो लिख, प्रोग्राम एक लाइन लिख रहे हैं तो लाइन एंड हो चुकी है अब इसी तरह हमने यहाँ पर एंड लाइन एंड कर दिया अगर मैं यहाँ पर हटा के दोबारा चलाऊँ तो ये एरर देगा हमें यहाँ पे इसने रेड एरर दे दिया ठीक अब एक और चीज़ आपको टिप बताता रहा हूँ ये हम जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर का पॉइंट भी दे देगा अब इसने हमें बता दिया कि एक सेमी कोलन मिसिंग है तो हम लोग जब सेमीकोलन लगाएंगे तो ये एरर हट जाना चाहिए जब रन करेंगे बिल्ड रन बिल्ड करेंगे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे रन एंड बिल्ड एंड रन ओके क्या करते हैं इनपुट ले लेते हैं अब हमने सी इनपुट डाल दिया और बिटवाइस की डायरेक्शन ए की तरफ कर दी और इसको एंड कर दिया हमने से, किससे सेमी कॉलर से अभी जब इसको रन करेंगे हम तो इसने हम से ये ब्लिंक कर रहा है राइट आप चीज़ नोटिस की ब्लिंक कर रहा है अगर हम लोग यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो हम नंबर लिख सकते हैं तो इंटर किया कुछ इसने प्रिंट नहीं किया ओके अब इनपुट तो ले ली हमने अब अगर मैंने जो थ्री इनपुट करवाया है अगर मैं इसको भी कहीं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो कैसे करेंगे सिंपली हम लोग एक नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और लिखेंगे सी आउट और बेट वैस के डायरेक्शन सी आउट की तरफ और क्या करेंगे ए को इधर इस तरह लिख देंगे यानी हम ए को इंटर करवाना चाह रहे हैं प्रिंट करवाना चाह रहे हैं राइट करवाना चाह रहे हैं तो जब हम लोग आएंगे और यहाँ पे मैं थ्री लिखूँ और यहाँ पे करूँ तो इसने मुझे थ्री प्रिंट करके दे दिया आप लोग नोटिस करें तो तीस ने प्रिंट करके दे दिया तो हम इस तरह प्रिंट भी करवा सकते हैं अगर मैं इसको चाहूँ और देखा आपने जो नोटिस किया होगा कि जो मैंने ए लिखा है वो कंडीशन मार्क्स में नहीं लिखा क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल है ये हम सबसे पहले हमने क्या किया इसको एक हमने पहले इसको साइन किया और फिर हमने इनपुट करवा लिया और फिर हमने इसी को इस तरह यहाँ पे रख दिया सी आउट के अंदर तो ये इसने प्रिंट कर दिया अगर मैं चाहूँ कि इसके साथ कुछ लिखा भी है तो हम कोटेशन मार्क लिखूँगा और लिखूँगा योर इनपुट इज और ये ये इस तरह हमें रेड कर देगा ले लिया और कोटेशन मार्क्स के अंदर रख दिया और हमने क्या किया जब ये हम कोटेशन मार्क्स के साथ कुछ लेबल लगाना चाह रहे हैं तो तो उसके लिए हम क्या करेंगे इनको अलग करने के लिए बीच में एक बिट वाइस लगा देंगे ग्रेटर के ठीक है इसी और का बिट वाइस लगा देंगे और उसके बाद हम लोग ए रख देंगे हमने सिंपली इस तरह इसको अगर मैं बिल्ड करूँ रन करूँ और तो यहाँ पर थ्री करूँ तो इसने लिख दिया योर इनपुट इज थ्री ओके अब मैं आप लोगों को थोड़ा एक असाइनिंग और इनिशलाइजिंग डिफ्रेंस बता दूँ अब जब हमने इंटीजर और ए को दे दिया ये हमने सिंपली क्या असाइन कर दिया इसको ओके जब इसको असाइन कर दिया अगर मैं इसको अगर चाहता इनपुट ना करवाऊँ फॉर सपोज इसको अगर मैं इनपुट ना करवाऊँ और यहाँ पे मैं इसको अगर डायरेक्ट वैल्यू दे दूँ तो मैं क्या लिखूँगा ए लिखूँगा इक्वल्स लिखूँगा और इसको थ्री वैल्यू दे दूँगा और सेमी कॉल से एंड कर दूँगा तो हमने यहाँ पे क्या किया इसको इनिशियलाइज कर दिया किसी वेरिएबल से खुद ही हमने इनपुट नहीं ली लेकिन हमने पहले इसको ही इसको खुद ही इनिशियलाइज कर दिया ए लिखा है इक्वल लिखा और इनिशियलाइज कर दिया अगर मैं फोर लिख दूँ फोर्स फाइव लिख दूँ कुछ भी लिख दूँ तो ये प्रिंट करके दे देगा हमें यहाँ पर तो इसने क्या कि प्रिंट प्रिंट करके दे दिया और आपने नोटिस ये होगा कि इसने एक ही लाइन में प्रिंट किया तो अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग इस टाइम भी कर सकते हैं एंड लाइन कर सकते हैं लेट्स ट्राई अगर एंड कैसे एंड कर सकते हैं नहीं नहीं क्योंकि हम लोग सिर्फ सी आउट वग़ैरह इनमें एंड लाइन कर सकते हैं इस तरह ये अभी हम लोग इनिशलाइजेंगे में नहीं होती तो हम लोग बेसिक क्या करेंगे अब कि इसको कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे हम ये इस तरह कर देंगे एंड लाइन कर देंगे और ये हमारे पास नीचे वैल्यू आ जाएगी इसी योर ये यू ने और हम इसने क्या किया योर इनपुट इज़ फाइव तो इसने हमें नेक्स्ट लाइन में भेज दिया सिंपली तो आज के लिए इतना ही आप लोगों ने चीज़ें याद कुछ या रखी हैं हमने क्या पढ़ा कि डेटा टाइप्स पढ़ी बेसिक बेसिक टाइप टैप मैं आगे बाद आगे जाके, जाके फिर दोबारा उनको डेथ में जाके पढ़ाऊँगा फिर हमने पढ़ा कि साइन इन, इनिशियलाइजेशन क्या होती है इनपुट कैसे लेते हैं और जो इनपुट लेते हैं उसको यहाँ जो इनिशलाइज़ किया हो तो उसको प्रिंट आउट कैसे करते हैं तो खुदा हाफिज़